बीजेपी के तीन कूड़े के पहाड़ की वजह से एनजीटी ने दिल्ली वालों पर लगाया 900 करोड़ रुपए का जुर्माना। आप विधायक दुर्गेश पाठक जी, हां, आपको पता चले कि एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पता चले कि दिल्ली की तीन लैंडफिल साइट पर जमा 3 करोड़ मेट्रिक टन कचरे को तय अवधि में निपटारा करने में सरकार को विफल मानते हुए यह जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने निर्देश दिया है कि इस रकम का इस्तेमाल लैंडफिल साइट को आबाद करने के लिए किया जाएगा, लेकिन अब इस पर आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के तीन कूड़े के पहाड़ की वजह से एनजीटी ने दिल्ली वालों पर 900 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि आपने 5 सालों में दिल्ली में स्कूल हॉस्पिटल शानदार बना दिए, बीजेपी की एमसीडी ने 17 साल में दिल्ली को सिर्फ कूड़ा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के कारण दिल्ली वालों के ऊपर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, बड़े शर्म की बात है, और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कहीं और ऐसा हुआ होगा जब भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन के कारण, उनके काम ना करने के कारण, उनकी अक्षमता के कारण, उनके भ्रष्टाचार के कारण जो तीन कूड़े के पहाड़ बन के दिल्ली के अंदर तैयार हुए हैं उसको लेकर एनजीटी ने 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आखिरकार ये जुर्माने का पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर देंगे, दिल्ली के जो मेहनत कश लोग हैं वो इसका पैसा देंगे, लेकिन जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। साथियों, पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में शासित है। 17 साल छोटा टाइम नहीं होता, 17 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। हमने मात्र 4 से 5 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर स्कूल बदल दिए, मात्र 4 से 5 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर अस्पताल बदल दिए, दिल्ली के अंदर एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन 17 साल में भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ कूड़ा और कूड़े के पहाड़ दिए। साथियों, दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं। पहला है भलसवा, दूसरा गाजीपुर, तीसरा ओखला। भलसवा के अंदर आज के टाइम पे अभी भी 90 लाख टन मीट्रिक टन के आसपास वहां पर कूड़ा पड़ा हुआ है। आजकल एमसीडी बड़े दावे करती है कि जी हम कूड़ा साफ कर रहे हैं, डेली वहां से 2,500 टन जो है कूड़ा जो है वो साफ होता है, प्रोसेस होता है, जबकि रोज वहां पे 4,000 टन आ भी जाता है वहां पे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। डेली जितना आ रहा है, जितना आप साफ कर रहे हो उससे ज्यादा आपके पास इनटेक है कूड़े का। सेम हाल है आपका गाजीपुर पे, सेम हाल है आपका ओखला में। गाजीपुर में भी लगभग आपके पास 150 लाख टन के आसपास वहां पर कूड़ा पड़ा हुआ है, डेली आपके पास 5,000 टन के आसपास कूड़ा आ रहा है और 2,500 ही आप साफ कर पा रहे हैं। ओखला में यही हाल है, 60 लाख टन के आसपास वहां पे कूड़ा पड़ा हुआ है, 2,500 डेली आ रहा है और 1,500 टन आप कूड़ा साफ कर पा रहे हैं। तो डेली अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 4 से 5 हजार कूड़े का टन एक्स्ट्रा बढ़ ही रहा है, कोई घटावट नहीं है, कोई भी घटने का काम नहीं हो रहा कूड़े के पहाड़ के अंदर। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये एमसीडी का डेटा है। अब तक 1200 करोड़ रुपए इस कूड़े के पहाड़ साफ करने में भारतीय जनता पार्टी ने खर्च कर दिए, 900 करोड़ का इन्होंने जुर्माना भी ले लिया। इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी की पूरी एमसीडी का, कि आज स्थिति ये है कि लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो कभी सुनने में नहीं आ रहा था।